जी बिल्कुल उनका कहना था कि मेरे वालिद भी खतर की जंग में गए थे तो वापस नहीं आए, शहीद थी सूरत में वापस आए, और मेरे बेटे भी 2013 में शहीद हो गया है। मुझे अपने बेटे की शहादत पर भाई फख्र है, जो उसकी शादी के दिन थे वो उन्होंने माल जंग पे गुजारे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आपको अहम खबर देंगे, मारूफ अदाकार गुलाब चांडियो कराची में इंतकाल कर गए हैं। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, कराची से मारूफ अदाकार गुलाब चांडियो इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं, कराची से अदाकार गुलाब चांडियो इंतकाल कर गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुलाब चांडियो कराची में इंतकाल कर गए हैं। उनके हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि कराची सिंधी के हवाले से वो कराची में भी काफ़ी मकबूल थे, सिंध में काफ़ी मकबूल थे, जबकि सिंधी ड्रामों में उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। और अफसोसनाक खबर हम शामिल कर रहे हैं कराची से, जहां पर मारूफ अदाकार गुलाब चांडियो इंतकाल कर गए हैं। मारूफ अदाकार गुलाब चांडियो इंतकाल कर गए हैं कराची से। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं, गुलाब चांडियो उर्दू और सिंधी ड्रामों के अदाकार थे और यकीनन भरपूर ड्रामों में उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। और अभी अफसोसनाक खबर आई है कराची से, जहां पर मारूफ अदाकार गुलाब चांडियो इंतकाल कर गए हैं। गुलाब चांडियो यकीनन उन्होंने उर्दू और सिंधी ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए और बहुत से उनके जो मद्दा हैं उनको वो छोड़कर चले गए हैं और यकीनन आज वो यकीनन उदास भी हो जाएंगे। मारूफ अदाकार गुलाब चांडियो कराची में इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर हम शामिल कर रहे हैं कराची से, जहां पर मारूफ अदाकार गुलाब चांडियो इंतकाल कर गए हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 24 न्यूज़।